जी हाँ नमस्कार साथियों, एक और बड़ी खबर सीकर जिले से मिल रही है। जिले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जानकारी में सामने आ रही, घर से करीब 1 किलोमीटर दूर सांदी रास्ता के चलते साथ देखा गया। इसकी जांच पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल जिसकी पहचान में सामने आ रहा है कि सीकर के थोई इलाके की दहकी ढाणी उगंता गुजर अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी। करीब रात 11:30 बजे बच्चों के शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। इससे ग्रामीण व परिवारजन मौके पर पहुंचे, जहां पर तलाश की तो महिला मौके पर नहीं थी। बताया जा रहा है कि जेठ राजेंद्र घर से करीब 1 किलोमीटर दूर तौर पर देखा गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी, आसपास तलाश किए। बताया जा रहा है कि मौके पर ही ग्रामीण लोग धरने पर बैठ गए, साले ने इनकार कर दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि मौके पर नीमका थाना डिप्टी गिरधारी लाल शर्मा, सीकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप भी मौके पर पहुंचे। 5 घंटे तक चली समझाइश के बाद परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि मौके पर डॉग स्क्वाड टीम एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि पति महेंद्र मजदूरी का काम करता है, काम के सिलसिले में वह बाहर रहता है। ऐसे में महिला गुणता देवी अपने बच्चों के साथ ढाणी में रहती थी। तो दोस्तों आप सभी को इस प्रकार की खबर दिखाना, विचलित करना नहीं, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना है, बल्कि समाज में सभी घटनाओं से सचेत रखना है। सो दोस्तों प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल से। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।